हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपीरियंस लाइफ। अगर आपको अपने लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आपको जॉब रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चलता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में मैं आपको लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स देता हूं। आज का जो जॉब अपडेट है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से निकला है। ये एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अबव 3000 है। और भी डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जॉब आपको मिल रहा है फ्रॉम ईस्टर्न रेलवे। एडवर्टीजमेंट नंबर है RRCER एक्ट अप्रेंटाइज /2020-21 और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस था 1 अक्टूबर 2021 और ओपनिंग डेट है 4 अक्टूबर 2021 और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 3 नवंबर 2021 और जो प्रोबेबली जो डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है 18 नवंबर 2021। तो अब हम लोग पोस्ट नेम देख लेते हैं। तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से पोस्ट निकला है। तो पहला है हावड़ा डिवीज़न जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 659, फीटर का है 281, वेल्डर का है 61, मैकेनिक्स का है 35, कारपेंटर का 9, पेंटर का 9, लाइनमैन का है 9, वायरमैन का है 9, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक का है 17, इलेक्ट्रीशियन का है 220, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का 9। नेक्स्ट है सियालदा डिवीज़न जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1123 जिसमें फीटर और इलेक्ट्रीशियन का 430, वायरमैन का 89, मैकेनिक्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एसी का 395, लाइनमैन का 40, वेल्डर CNW का 31, फीटर और मैकेनिक्स ऑफ CNW है 108 एंड वेल्डर का 30। नेक्स्ट है आसनसोल डिवीज़न जिसका नंबर ऑफ वैकेंसीज है 412, फीटर का 151, टर्नर का 14, वेल्डर का 96, इलेक्ट्रीशियन का 110, मैकेनिक्स का 41। नेक्स्ट डिवीज़न है वो है मालदा जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 100 और इलेक्ट्रीशियन का 40, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक्स का 6, फीटर का 47, वेल्डर का 3 और पेंटर का 2, कारपेंटर का 2। नेक्स्ट है कंचरापाड़ा वर्कशॉप जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 190, फीटर का 61, वेल्डर का 36, इलेक्ट्रीशियन का 67, मैसेनिस्ट का 6, वायरमैन का 3, कारपेंटर का 3, पेंटर का 3। नेक्स्ट है लीलुआ वर्कशॉप जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 204 जिसमें फीटर का 80, मैसेनिस्ट का 11, टर्नर का 5, वेल्डर का 68, पेंटर जनरल का 5, इलेक्ट्रीशियन का 15, वायरमैन का 15, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर का 5। नेक्स्ट है जमलपुर वर्कशॉप जिसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 678 जिसमें फीटर का 254, वेल्डर का 220, मैसेनिस्ट का 48, टर्नर का 48, इलेक्ट्रीशियन का 43 एंड डीजल मैकेनिक्स का 65। अब नेक्स्ट हम लोग एज लिमिट देख लेते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 15 ईयर्स और मैक्सिमम है 24 ईयर्स और एज रिलैक्सेशन फॉर ST SC है 5 ईयर्स, OBC है 3 ईयर्स और 10 ईयर्स फॉर PWBD। नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। कैंडिडेट्स को 10th पास या 12th पास होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स और कैंडिडेट मस्ट पोजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय NCVT और SCVT और जो वेल्डर, सीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर ये लोग का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 8th पास होना चाहिए और कैंडिडेट्स को मेडिकली फिट होना चाहिए। उन लोग को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल। तो नेक्स्ट हम लोग सेलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो इसका 10th पास है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके लिए सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और जिसका 8th पास है उसके लिए अलग और जो 10th पास और 12th पास उसको मिनिमम 50% स्कोर करना है इन एग्रीगेट एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ और दो कैंडिडेट जिसका मार्क्स सेम है तब उन लोग का एज के हिसाब से उन लोग को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है वो है ₹100 और वो नॉन रिफंडेबल है और ST SC PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना है और पेमेंट करना है आप लोग को ऑनलाइन मोड में दैट इज़ बाय पेमेंट गेटवे व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट कैन बी मेड
बाय डेबिट कार्ड, ऑल्सो क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन मोड में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, दैट इज़ www.rrcer.com। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, उसके साथ अप्लाई लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर लेना। फिर उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करना है वो है स्कैंड फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर, स्टैंडर्ड 8 एंड 10th मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, ITI सर्टिफिकेट और STSC सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट, ये सब आप लोगों को सबमिट करना है। और फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है और अपलोड करना है। फिर उसके बाद जो पेमेंट रिसिप्ट स्लिप है उसका प्रिंटआउट निकाल लेना और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लेना, क्योंकि वो काम आएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। तो ये था जॉब अपडेट फ्रॉम ईस्टर्न रेलवे। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारे हैं और सैलरी भी बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स ऑन जॉब रिक्रूटमेंट।